15 अगस्त 1947 को लुधियाना स्टेशन पर दोपहर के वक्त पाकिस्तान से आई हुई एक ट्रेन आके रुकती है। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुला जाता है, जमीन पर एक के बाद एक लाशें गिरती रहती है। ये जो सीन था सिर्फ ट्रेन के एक कमरे का नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे ट्रेन का ही यही हालत था। किसी का सर नहीं थी तो किसी का पैर नहीं था, हाथ नहीं था, और किसी का तो आते ही बाहर निकली थी। और इन लाशों से भरी ट्रेन के पीछे लिखा था, नेहरू और पटेल के लिए आज़ादी का तोहफा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1947 की भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारे हुआ था उसके बारे में। आखिर क्यों हुआ था ये बंटवारा, इसके पीछे का असली मकसद क्या था, और साथ ही साथ बात करेंगे इस बंटवारे का असली जिम्मेदार कौन था। तो आइए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। हमारे तो वहाँ कई लड़कियों ने अपनी इज्जत तो बताने के लिए कुएं में छलांग लगा दी थी। भारत को आज़ादी मिली थी 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद, यानी 15 अगस्त की रात को, जब पूरी दुनिया के आधी आबादी चैन के नींद सो रही थी, तब भारत अंग्रेजों की गुलामों से आज़ाद हुई थी। आखिर वो दिन आ ही गया था जिसका सारे भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार अंग्रेजों की हुकूमत की वो काली रात खत्म हुआ था और एक नए सुबह का आरंभ हुआ था। लेकिन ये सुबह कोई आम सुबह नहीं थी, क्योंकि इस सुनहरे आज़ादी के साथ एक ऐसे ही दर्द भरी घटना आज़ादी के चौखट पर दस्तक दे चुकी थी, जिसको आज भी याद किया जाए तो सबका रूह कांप उठता है। वो घटना है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की, और इसके साथ बंटवारे का जो भयानक परिणति हुआ था उसका। देश के विभाजन के कारण करोड़ों लोग बेघर हुए थे, अपने घर परिवार संपत्ति दोस्त रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हिंसा और तबाही फैला हुआ था, क्योंकि 15 अगस्त विभाजन के दौरान किसी को ये पता ही नहीं था कि आखिर कौन सा लाइन पाकिस्तान का बॉर्डर है और कौन सा लाइन हिंदुस्तान का बॉर्डर, जिसके वजह से एक छोटी सी जगह को लेकर भी दंगे और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार सिरिल रेडक्लिफ था। जी हाँ, ये वही इंसान है जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच अपने मन मुताबिक लाइन खींच दिया था। जिस इंसान को यहाँ की इतिहास संस्कृति यहाँ तक कि भूगोल के बारे में भी कोई भी जानकारी नहीं थी, उसे बुलाया गया था भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर डिसाइड करने के लिए, जिसकी वजह से दोनों देश के प्रधानमंत्री नेहरू और जिन्ना ने रेडक्लिफ की जम के आलोचना की, क्योंकि उन्होंने जो बॉर्डर की लाइन खींची थी उसके वजह से कई सारे लोग बेघर तो हुए ही थे, साथ ही साथ किसी का घर अगर भारत में तो आंगन पाकिस्तान में चला गया था, और किसी का खेती जमीन ही दोनों देशों में बट गया था। अब इस परिस्थिति में रेडक्लिफ डर के मारे 15 अगस्त के रात को ही ब्रिटेन निकल गए थे, और यहाँ भारत में ये बॉर्डर का नक्शा वायसराय माउंटबेटन ने आजादी के दो दिन बाद यानी कि 17 अगस्त के दिन पब्लिश कर दिया, और इसके वजह से आम जनता के हालत बद से बदतर हो गई थी। इसके वजह से और भी ज्यादा लोग एक देश से दूसरे देश भाग रहे थे, और इसके कारण ही लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही थी, और इसीलिए ही ये दुनिया का सबसे बड़ा और दर्दनाक माइग्रेशन माना जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कभी भी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज की आज़ादी ही थी। लेकिन आज़ादी तो मिली देश को, लेकिन टुकड़ों में बांट के। अब इस बंटवारे के पीछे असली जिम्मेदार था मोहम्मद अली जिन्ना। अगर वो पाकिस्तान की मांग ना की होती तो इतना कत्लेआम ना होता, उतना तबाही ना मचती जो कोई सोचा भी नहीं था। जिन्ना ने अपने पाकिस्तान बनाने की जुनून में इतना अंधा हो गए थे कि उन्होंने आजादी से एक साल पहले ही 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा किया, जिसके वजह से बंगाल में हिंदू और मुस्लिम का जोरदार दंगे हुए, और उन दोनों तरफ से लगभग 4000 से भी ऊपर लोगों की मौत हो गई थी। इसे 1946 की कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है। 3 जून 1947, ये वही तारीख था जब लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव रखी थी, और इसी दिन भारत को आजाद करने की तारीख तय की गई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान को अलग करने की जिद पूरी हो गई थी। अब 15 अगस्त 1947 को बंटवारा तो हुआ ही था, लेकिन
वो सिर्फ जमीनों की बंटवारा नहीं था बल्कि हर एक चीज का बंटवारा हुआ था। लोगों का बंटवारा, रिजर्व बैंक में रुपयों का और सोने के खजानों का बंटवारा हुआ था। और उसका बंटवारा करना इतना भी आसान नहीं था, फिर भी एचएम पटेल और चौधरी मोहम्मद अली ने बहुत ही बेहतरीन काम किए थे। अगर हम पैसे की बात करें तो भारत के संपत्ति के 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था और भारत के हर दफ्तर में पड़ी हर एक चीज का बंटवारा किया गया था, जैसे टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर, यहां तक कि लाइब्रेरी के पुस्तक भी यहां पे शामिल था। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को इस तरह से बटा गया था कि पहला हिस्सा भारत को और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन इस सब में भारत के गुप्तचर विभागों को पाकिस्तान के साथ नहीं बटा गया। भारतीय सैनिक के एक तिहाई सैनिक पाकिस्तान को दिया गया। अगर नोटों की बात करें तो पाकिस्तान आजादी के बाद भारत की ही नोटों को अपने पाकिस्तान की मोहर लगा के करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जो भी है, आखिर ये बंटवारा तो हो ही गया था, साथ में ये इतिहास का एक काला अध्याय के रूप में भी दर्ज हो गया था, जिसमें करोड़ों लोग अपना सब कुछ खो दिया, बेकसूर लोग यहाँ पे मारा गया। इस दर्दनाक अध्याय के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।